अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक हज उम्रे से मुतालिक है कि हाथ पर ऐसी कौन सी अलामत होती हैं जिनको देखकर ये प्रेडिक्शन की जा सके कि ये शख्स हज या उम्रा करेगा, और इसके अलावा हाथ पर ऐसी कौन सी अलामत होती हैं जिनको देखकर ये प्रेडिक्शन की जा सके कि ये शख्स बैरून मुल्क सेटल हो जाएंगे। ये माउंट ऑफ मून है। अगर किसी शख्स का माउंट ऑफ मून डिवेल्प हो तो वो लोग घूमने फिरने के बड़े शौकीन होते हैं, और ये अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क सफ़र करते रहते हैं। और ये माउंट ऑफ जुपिटर है। अगर माउंट ऑफ जुपिटर और माउंट ऑफ मून दोनों पुरगोश्त हों और माउंट ऑफ मून पर ट्रैवल लाइन मौजूद हो तो ये शख्स हज या उम्रे पर ज़रूर जाएगा। इसके अलावा ये ज़िंदगी की लकीर है, और ज़िंदगी की लकीर से एक शाख निकलकर माउंट ऑफ मून पर जाए तो ये इस बात की पेशन गोई होती है कि ये शख्स बैरून मुल्क सफ़र करेगा और उस सफ़र में ये कामयाबी हासिल करेगा और वहाँ पर अरसा दराज तक क़याम करेगा। इसके अलावा अगर ज़िंदगी की लकीर माउंट ऑफ मून पर ही जाए तो ये बैरून मुल्क सफ़र को प्रिडिक्ट करती है, मगर ऐसे लोगों की तबीयत में बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है। ये एक जगह नहीं रह पाते, ये अपनी जगह बदलते रहते हैं। ये बंजारा तबीयत के लोग होते हैं।